हलो एवरी वन इनके नम्बर नयन स्टाडर्ड मैक्स सेट लांग्वेज एक्सरसाइज 1.5 सिक्स सम पाक इफ़ ए इज ईक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ईक्वल टू सिक्स एन एन बिलॉन्ग्स टू होल नंबर एंड एन इज लेस देन सिक्स को फर्स्ट लाइन अब एंव एव फर्स्ट कैंडपिपोम एल पड़ सोल एन बिलॉन्ग्स टू होल नंबर को होल नंबर जीरो वन टू थ्री पो अब एनो वैल्यू पाती एलो जीरो वन टू थ्री फोर अंड फोड़ स्टाप पड़ी एन इज लेन सिक्स को सिक्स लेसन फैवो स्टाप पड़ी इतक फार्मला अप्ले पड़ सोल एक्स इज ईक्वल टू सिक्स एन को सिक्स इंटू एन अब सिक्स इंटू एन सिक्स इंटू एन प्लेस जीरो अप्ले पड़े अब सिक्स जीरो सर जीरो सिक्स इंटू वन इंगे एन इतना फर्स्ट जीरो अब वन पड़ रहा सिक्स वन सर सिक्स सिक्स टू सर ट्वेल सिक्स थ्री सर एटीन सिक्स फोर सर ट्वेंटी फोर सिक्स फाइव सर थर्टी ओकेवा इप्पो नम्मलुक्कु ए ओड वैल्यू एन्ना कडैच्चिरुक्कु जीरो सिक्स ट्वेल एटीन ट्वेंटी फोर थर्टी एवोड वैल्यू नम्बर कैंडपिड़ी रोस्टर फॉर्म एड़ी बी कैंडपिड़ा नम्बर बी के बी इज ईक्वल टू एक्स सच दट एक्स इज ईक्वल टू टू एन एन बिलॉन्ग्स टू नेचुरल नंबर एन नेचुरल नंबर कैपिटल एन को अब नेचुरल नंबर अंड टू इज लेसन एन लेसन आर ईक्वल टू नाइन को अब एन एपड़ी इज ग्रेटर देन टू अंड लेसन आर ईक्वल टू नाइन को टूवोड ग्रेटर टूवोड ग्रेटर थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट इं लेसन आर ईक्वल टू नाइन को नम्बर नाइन एड़ो अब एक्स को एक्स इज ईक्वल टू टू एन को अब टू एन नंब टू इंटू एनो वैल्यून थ्री टू थ्री सर सिक्स टू थ्री सर सिक्स टू फोर सर एट टू फाइव सर टेन टू सिक्स सर ट्वेल्व टू सेवन सर फोर्टीन टू एट सर सिक्सटीन टू नाइन सर एटीन इप्पो इधर ही कैंडपिड़ी इप्पो बीओड आंसर एन पाती रोस्टर फॉर्म ना सिक्स एट टेन ट्वेल्व फोर्टीन सिक्सटीन एटीन इप्पो नम्बर सी कैंडपिड़ा इप्पो सी कैंडपिड़ा एक्स सच दैट एक्स इज ईक्वल टू थ्री एन एन बिलॉन्ग्स टू एन नेचुरल नंबर्स एंड फोर इज लेसन आर ईक्वल टू एन इज लेसन टेन को इनो वैल्यू एन को एन इज ग्रेटर देन आर ईक्वल टू फोर 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 को मेल अब फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइनो स्टाप पड़ी लेसन टेन को अब नाइनो स्टाप पड़ो इक्स इज ईक्वल टू थ्री एन एक्स को एक्स इज ईक्वल टू थ्री एन को अब थ्री इंटू एनो वैल्यू फोर फोर थ्री सर ट्वेल्व थ्री इंटू फाइव फाइव थ्री फाइव सर फिफ्टीन थ्री इंटू सिक्सन एटीन थ्री इंटू सेवन सर ट्वेंटी वन थ्री इंटू एट थ्री एट सर ट्वेंटी फोर थ्री नाइन सर ट्वेंटी सेवन इप्पो सीओ वैल्यू नम्बर कैंडपिडिच्चाच्चु रोस्टर फॉर्मुला ट्वेल्व फिफ्टीन एटीन ट्वेंटी वन 24 and 27 ओके एबिसी एल कैंडपिड़ी इं अ सारी ओटू इन सीओ पाती एन इज ईक्वल टू एन एन को नेचुरल नंबर को एन इज ग्रेटर देन आर ईक्वल टू फोर अंड लेसन टेन को ग्रेटर देन आर ईक्वल टू फोर ईक्वल टू फोर वाला फोर एलिक फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन अब टेन पड़कू लेसन टेन को अब एक्स ईक्वल टू थ्री एन को थ्री इंटू एन वो फोर थ्री फोर सर ट्वेल अब फाइव सिक्स सेवन एन इतना अप्ले पड़े थ्री फाइव सर फिफ्टीन थ्री सिक्स सर एटीन थ्री सेवन सर ट्वेंटी वन थ्री एट सर ट्वेंटी फोर थ्री नाइन सर ट्वेंटी सेवन सी इज ईक्वल टू पाती
இந்த நம்பர்ஸ் எடுத்து போடுறோம். 12, 15, 18, 21, 24, 27 ஜீரோ ஸ்டெப் ஃபார்மில் கண்டுபிடிச்சது. இப்போ அந்த பக்கம் இருக்குது ஏவியும் பியும் நம்ம எடுத்து எழுதிக்கலாம். அப்போ தான் நம்மளுக்கு சம் போட ஈஸியாக இருக்கும். ஏ நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சோம், 06, 12, 18, 24, 30 பிக்கு என்ன கண்டுபிடிச்சோம், 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 இப்போ ஏபிசி எல்லாமே ரோஸ்டர் ஃபார்மில் கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போ நம்ம என்ன ஃபார்மில் அப்ளை பண்ணோம், அங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ஏ மைனஸ் பி இன்டர்செக்ஷன் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ மைனஸ் பி யூனியன் ஏ மைனஸ் சி. இதை நம்ம கண்டுபிடிச்சி ரெண்டுமே ஈக்குவல்னு சொல்லிட்டு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும். ஓகேங்களா, ஃபஸ்ட்டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துப்போம். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்தோம்னா பி இன்டர்செக்ஷன் சி தான் கண்டுபிடிக்கணும். ஏன்னா அதான் ப்ராக்கெட்குள்ளே இருக்குது. பிக்கு என்ன வேல்யூ, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 இன்டர்செக்ஷன். சிக்கு என்ன இருக்குது, 12, 15, 18, 21, 24, 27 அப்போ இன்டர்செக்ஷனாக ரெண்டுத்தில் சேமாக வரது என்னவோ அதை எடுத்து எழுதணும். எது எது வருது, 12 வருது, அப்புறம் 18 வருது, அவ்வளோதான். இப்போது ஏ மைனஸ் பி இன்டர்செக்ஷன் சின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போது ஏ மைனஸ்னால் ஃபஸ்ட்டு ஏ எடுத்து எழுதுகிறோம். 06, 12, 18, 24, 30 மைனஸ் பி இன்டர்செக்ஷன் சிக்கு என்ன கண்டுபிடிச்சோம், 12, 18. இப்போது ஏலேருந்து பி இன்டர்செக்ஷன் சியை மைனஸ் பண்ணுறோம், மைனஸாக கேன்சல் பண்ணுறோம். 12 கேன்சல் ஆச்சு, 18 கேன்சல் பண்ணிட்டு மிச்சம் ஏல என்ன இருக்கோ அந்த ஆன்சர் எடுத்து எழுதணும். 06, 24, 30 இதான் இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்த ஆன்சர். இப்போ நம்ம ரைட் ஹேண்ட் சைடு கண்டுபிடிக்கலாம். இப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைடு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். ரைட் ஹேண்ட் சைட் பார்த்திங்கன்னா ஏ மைனஸ் பி ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிப்போம், அதுக்கு ப்ராக்கெட் இருக்குது. ஏவோடது பார்த்திங்கன்னா 06, 12, 18, 24, 30 மைனஸ் பியோடது பார்த்திங்கன்னா 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 இப்போ ஏலேருந்து பியை கேன்சல் பண்ணுறோம். 6 அப்புறம் 8 வரல, 12 கேன்சல் பண்ணிட்டோம், 18 கேன்சல் பண்ணுறோம். மிச்சம் ஏழில் என்ன இருக்குது, 0 இருக்குது, 24 இருக்குது, 30 இருக்குது. இப்போது ஏ மைனஸ் சி அதை பார்த்தீங்கன்னா 06, 12, 18, 24, 30 மைனஸ் சி 12, 15, 18, 21, 24, 27 ஏலேருந்து சி கேன்சல் பண்ணால் 12 இங்கே இருக்குது, அதை கேன்சல் பண்ணுறோம். 18 இருக்குது, அதை கேன்சல் பண்ண, 24 இருக்குது, அதை கேன்சல் பண்ணிட்டா ஏலேருந்து சியில் என்னென்ன லெட்டர்ஸ் வருதோ நம்பர்ஸ் வருது எல்லாம் கேன்சல் பண்ணதுக்கப்புறம் பேலன்ஸ் ஏல என்ன இருக்குது, 06, 30 இப்போது அந்த ஃபார்மில் என்னது, ஏ மைனஸ் பி யூனியன் ஏ மைனஸ் சி. அது ஏ மைனஸ் பிக்கு என்ன ஆன்சர் வந்தது, 0, 24, 30 இது யூனியன். ஏ மைனஸ் சிக்கு என்ன கிடச்சது, 06, 30 அப்போ யூனியனை ரெண்டுத்தையும் நம்ம சேர்த்து எழுதணும். 06, 24, 30 இது செகண்டு. லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஒரு ஆன்சர், ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஒரு ஆன்சர் கிடச்சிது. லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் என்ன கிடச்சிது, 06, 24, 30 கிடச்சிருக்கு. அதே தான் ரைட் ஹேண்ட் சைடு கிடச்சிருக்கு, 06, 24, 30 ஃப்ரம் 1 and 2 லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இஸ் ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைடுன்னு தெரியுது. அந்த 1 and 2 வச்சு பார்க்கும்போது நமக்கு என்ன தெரியுது, அதோட ஆன்சர் இது ஆன்சர் சேமாக இருக்குது. அப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இஸ் ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைடு, ஹென்ஸ் இட் இஸ் ப்ரூவ்டு ஆர் வெரிஃபைடு என்ன ஒன்றா போடலாம் நீங்கள் ஆன்சர். இந்த ஆன்சர் ஈக்குவல்னு வந்துடுச்சு, ரெண்டு பக்கமும் ஈக்குவல்னு ப்ரூவ் ஆகிடுச்சு. தேங்க்யூ.